विद्यार्थी मित्रांनो, चला आता आपण जडणघडण पाठाचा भाग क्रमांक 1 चा स्पष्टीकरण पाहूया। बालपणी सा काळ मला महत्वाचा वाटतो। लेखिका कह रही की बचपने का वक्त मुझे अहमियत तो भरा लगता था, तो त्यावेळी झालेल्या संस्कारामुळे जो वक्त मेरी तरबियत हुई, माझी सारी जडणघडण त्यावेळी झाली जब मेरी तरबियत हुई। माझ्या आईने त्यावेळी माझ्यावर जे संस्कार केले, मेरी माने जो मेरे ऊपर तहजीब की, त्यामुळे मी गायिका झाले। उसी लिए तो मैं एक गीतकार बनी, त्याचबरोबर एक व्यक्ती म्हणून चांगले जीवन जगण्याची दिशा मला मिळाली। एक इंसान बोलकर अच्छी जिंदगी बसर करने का रास्ता मुझे मिला। संगीताला जीवनात परमेश्वर मानून व्रत स्थापने जपण्याची भाविकता आईने दिली। माने जो मुझे है संगीत को खुदा मानकर उस पर भरोसा रखकर उसको बरकरार रखने की ये माने दी। करडू है आमचे मूळ गाव। करडू जो है लेखिका का असल गाव था, पण आई ती सोडून केवळ मुंबईला स्थायिक झाली होती। मगर करडू गाव छोडकर माँ जो है मुंबई बच चुकी थी, त्यामुळे माझा जन्म मुंबई झाला। उसी लिए तो मेरा जन्म बंबई में हुआ। आम्ही तीन भावंडे, हम तीन भाई बहन, मी सर्वात थोरली, मैं सबसे बड़ी, त्यानंतर एक बहीण, उसके बाद एक बहन, नी सर्वात धाकटा एक भाऊ और सबसे छोटा एक भाई। मी 6 वर्षाची असताना वडील निर्तोले। मैं जब 6 वर्ष की थी तभी मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। त्यामुळे आमचा सांभाळ, शिक्षण वगैरे सगळं आईनेच केले। इसीलिए तो हमको संभालना और हमारी पढाई हमारी माने की। माझे शिक्षण अर्थात मुंबई झाले, मेरी जो पढाई है मतलब में बंबई में हुई। माझी आई परफेक्ट गायिका, तिला हमी माई म्हणून असे हम जो है, मेरी माँ जो है हम उसको माई कहते थे और वो मशहूर गायिका थी। त्यावेळी उस्ताद अल्लादिया खा साहेबांची प्रतिभावान शिष्य म्हणून मोगूबाई कुर्डीकर या नावाला आगळीच प्रतिष्ठा प्राप्त झाली होती। अल्लादिया खा साहब जो है उनकी शिष्य मोगूबाई कुर्डीकर को एक बहुत बड़ा नाम मिला था। माझ्यावर गाण्यांचे संस्कार तिच्यामुळे झाले। मेरे ऊपर गीत की जो तहजीब है मेरी माँ की वजह से हुई। त्याबरोबर वत्सल आदर्श आई म्हणून तिने माझ्या जीवनात एक वेगळे स्थान निर्माण केले। मेरी माँ मयालू थी और साथ ही साथ उन्हें जो मुझे जिंदगी के अंदर एक अलग अलग सी जगह बना दी थी। वडील निर्तोले और घर की परिस्थिति बिकट बनली। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद घर के हालात खराब हुए, तरी माई खचली नाही। उसकी माँ जो है घबरी नहीं, डरी नहीं, ती मुड़ीच धीराची। उसकी माँ जो थी सब्र वाली थी और जिद्दी थी। परसिला शरण ना जाता, तीने सौता काम करायला शुरुआत केली। वो जो है हालत के सामने नहीं झुकी और काम करने के लिए शुरुआत की। कारण आपल्या मुलांनी आयुष्य स्वतंत्रपणे काहीतरी मिळवले पाहिजे। उनका ऐसा मकसद था कि मेरे बच्चों ने आजादी के साथ उनको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। हाथ तीसा ध्यास होता, यही उसका मेन उद्देश्य था। दिवस भर कष्ट करून शिवाय ती गाने जपत होती थी। दिन भर मेहनत करने के बाद वो अपने गानों को बरकरार रखती। तीजे व्रत होते उसका यही एक उपास था। उस ती व्रत स्थापने चा जो प्रसाद होती और वही जो है उनको वो बरकरार रखने की कोशिश करती थी। या सारे गोष्टींचा संस्कार आपोआपच माझ्यावर होत होते।